नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र आपका अपने चैनल 3G गुरुजी संस्कृत और इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को, और साथ ही लाइक करें मेरे कंटेंट को अगर आप पसंद करें तो। और फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी एक बात को किसी दूसरी तरह से कहा जाना, जैसे कि मैं पौधों को पानी देता हूँ और दूसरी तरह से यह हुआ कि पौधों को मेरे द्वारा पानी दिया जाता है। मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो मेरे द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे है आए होगा, तो अगर मैं कहूँ कि आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव हो गया प्रेजेंट सिंपल का। एक्टिव यहाँ पे एक्टिव जो है ये नॉर्मल टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मेरी पिछली वीडियोस में, देख सकते हैं प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट टेंस। तो आई राइट अ लेटर इज एन एक्टिव सेंटेंस। अ लेटर इज रिटन बाय मी is a passive sentence. A letter is written by me. एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बात को दो तरीके से कहने का तरीका हो गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपके सामने लिस्ट है एक्टिव और पैसिव की, ये सब्जेक्ट है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव में अगर तुम्हें ये दिख जाए कि आई, तो पैसिव में वही बदल कर मी हो जाएगा। एक्टिव में अगर आपको यू दिखे तो यू रहेगा, पैसिव में भी ही दिखे तो हिम हो जाएगा उसका। शी एक्टिव में है तो पैसिव में हर हो जाएगा, एक्टिव में इट है तो पैसिव में इट रहेगा, एक्टिव में वी है तो पैसिव में अस रहेगा, और एक्टिव में दे है तो पैसिव में देम रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें मैंने टेंसेस बताई हैं, उनके साथ में इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब भी बताई है आपको कि कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी और कैसे होगी। उनकी आइडेंटिफिकेशन भी बताई हुई है कि भाई इनमें क्या पहचान है, किसी वाक्य को पहचान है अगर हिंदी में बोला जाए तो हम कैसे पकड़ें कि ये शब्द एक्टिव है, ये वाक्य एक्टिव है या पैसिव है, तो उसकी वैल्यू डिटेल दी गई है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर ये है पास्ट टेंस के बारे में बताया, सॉरी प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है, प्रेजेंट सिंपल के बारे में, और फिर कंटिन्यूस के बारे में, फिर परफेक्ट के बारे में, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। ऐसे ही हमने यहाँ पे पास्ट के बारे में डिस्कशन की है और फ्यूचर के बारे में डिस्कशन की है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को कवर करेंगे उनके उदाहरणों के साथ में, फॉर्मूला के साथ में। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल अगर हम टेंस के बारे में बात करें तो ये एक्टिव भी कह सकते हैं इनको, एक्टिव सेंटेंसेस भी कहा जा सकता है। इनकी पहचान क्या होती है, ऐसे वाक्य जिनका अंत हो ता है, ती है, ते है, जैसे कि मैं खाता हूँ, वह सोता है, पंखा चलता है, ठीक है, बारिश होती है, तो ऐसे वाक्यों में ता है, ती है, ते का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि पॉजिटिव भी है ये। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वाक्य को फोर्स कर रहे हैं कहेंगे तो डू और डस का प्रयोग होगा, अन्यथा ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही डू डस का प्रयोग होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या है इसकी जानकारी के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। टेंसेस जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक्टिव जो होगा इसमें डू और डस का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर यही चीज़ पैसिव हुई तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। अब पैसिव को हम पहचाने कैसे, जाता है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में जाता है आ जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए, और ये ध्यान देने वाली है बात के भाई किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, द्वारा आप लगा सकते हैं चाहे तो इसमें जाता है के साथ में, कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। लेटर इज रिटन बाय मी। फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जाती है,
फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वाक्य आप इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूस में। अब जहाँ पे हम रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल टेंसेज में या एक्टिव में, तो वहाँ पे हम इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खेल रहा हूँ या वह खेल रही है, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है। और अगर वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। लेकिन अगर हम इसी के बारे में बात करें पैसिव टेंस, पैसिव सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे इज एम आर के साथ बीइंग का भी इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि हम क्या खेल रहे हैं, जैसे कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। आइए आपको उदाहरणों के साथ में समझाते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास थोड़े उदाहरण हैं, फॉर्मूलाज हैं, आप कैसे इन्हें बना सकते हैं वाक्यों को, मतलब, ठीक है। अब जैसे कि बता चुका हूँ आपको मैं पहले ही कि डूड्स का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में तभी होगा जबकि आपको ये फोर्स करना हो किसी बात को, दम देकर कहना हो उस बात को। जैसे कि एक तो बात होती है नॉर्मल कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, और ये होता है मैं फुटबॉल खेलता तो हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे खेलता तो हूँ लगेगा, वहाँ पे डू और डज का प्रयोग होगा और वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली कह रहे हैं कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर ये डू डज का प्रयोग नहीं होगा, इन दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल होगी, एस या ई एस या फिर डू या डज का, ठीक है। तो अगर जोर दे कहनी हो बात, तो डू डज साथ में लगा देंगे, ही डज प्ले फुटबॉल, ठीक है। और अगर जोर दे बात नहीं कहनी तो ही प्लेज फुटबॉल। अब यही चीज़ हमें पैसिव में कन्वर्ट करनी है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। सब्जेक्ट कौन, मैं, दिखाई थी ना आपको टेबल भी, मैं एक्टिव और पैसिव भी इसे बता रहा हूँ दोबारा से आपको। मैं ये जो टेबल मैं आपको दिखाई थी, तो सब्जेक्ट होता है आई यू, ठीक है, आई यू शी ही दे, तो सब्जेक्ट ही हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुई, फुटबॉल या लेटर या जो भी आप जिसको कर रहे हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं हो गया आई, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, मैं हो गया आई यानी सब्जेक्ट और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ओके। अब इन दोनों को एक दूसरे की जगह बदल देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पैसिव के अंदर। अब जहाँ पे सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहाँ सब्जेक्ट हो गया। और साथ ही हमने डू डज की जगह यहाँ पे प्रयोग किया है इज एम आर का। अब क्योंकि हमारा रूल ऑफ थम है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, आई प्ले फुटबॉल। अब ध्यान दीजिएगा कि आई के साथ में एस या आई के साथ में जो वर्ब लगेगी उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हम, ठीक है। और पैसिव में, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो मुझे तीसरे नंबर पे नॉट को डाल देना है, नेगेटिव यानी माइनस का साइन नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो हमें तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग करना है कि ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। बाकी वही ऊपर की तरह ही है, सेम टू सेम, सिर्फ नॉट का प्रयोग हुआ है तीसरे नंबर पे उसका नेगेटिव बनाने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पे हुआ है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है यहाँ पे। मैं पौधों को पानी देता हूँ, आई वॉटर द प्लांट्स। और मान लीजिए अगर मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि हम नेगेटिव के बारे में उदाहरण ले रहे हैं, तो मैं पौधों को पानी नहीं देता हूँ, आई डू नॉट वॉटर द प्लांट्स। और यहाँ पे प्लांट्स हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे द प्लांट्स आर नॉट वॉटर्ड बाय मी, समझ गए आप। अब अगर मुझे यही प्रश्नवाचक बनाना है कि मुझे भाई क्या मैं पौधों को पानी देता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज एक्टिव के केस में और इज एम आर पैसिव के केस में बाहर आ जाएगी, ठीक है, बन गया इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक।
एज इट इज वही वाक्य का बचा हुआ फॉर्मूला पीछे पीछे लिख देना, ठीक है। उदाहरण के लिए डू डज, ये बाहर निकाल दिया, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे आपकी पैसिव है, यहाँ पे इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। अगर नेगेटिव करना हो तो तीसरे नंबर नेगेटिव डाल दिया। ध्यान दीजिए, अगर डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि व्हाट वाई व्हेन वाले अगर आते हैं तो उस कंडीशन में चौथे नंबर पर आ जाएगा नॉट, लेकिन नॉर्मली ये तीसरे नंबर पर आएगा। उदाहरण के लिए वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो वाई वाई एक, डू दो, यू तीन, नॉट चार, ठीक है, वाई डू यू नॉट। हाँ अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वाई डोंट, अभी देखिए समझ लीजिए दूसरे या तीसरे नंबर पर जैसा भी आप समझ लीजिए, इसको पहले आ जाएगा वाई डोंट यू, ठीक है। उसके प्रयोग में आपको बाद में बताऊंगा, मेजरली पहले आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, जैसा आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दिया था मैंने ये कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर लगता है, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली में चौथे नंबर पर लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव एंड डायरेक्ट, जिसमें प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी हो, तो दोनों ही जैसा ऊपर बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ जाएगी सेंटेंस में और नॉट तीसरे नंबर पर लग जाएगा, जैसे कि डू यू नॉट, अब ये इंटरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया साथ में, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय यू, ठीक है। तो यहीं पे अभी मानी को विराम देना चाहूँगा ताकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगली बार कंटिन्यू कर सकें अगली वीडियो में। धन्यवाद।